Hello everyone. Students, as you know, in the last lecture we had completed this chapter, that is animals and their young ones. So today we are going to solve the exercise of this chapter. इसकी exercise solve करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा ये life cycle देखेंगे. Life cycle of a hen, adult hen, then egg, mother warms the egg, baby chick hatches out और chick grows up. ये life cycle आपको आनी चाहिए. ठीक है, फिर फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखिए. अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, जिसे स्पॉन्स भी बोलते हैं. अर्ली टेडपोल, टेडपोल यानी कि बेबी फ्रॉग. फिर ग्रोइंग टेडपोल ऐसा होता है. फिर टेडपोल विद हिंड लिम्स, टेडपोल के साथ हिंड लिम्स उसके डेवलप हो रहे हैं. फिर उसके बाद यंग फ्रॉग क्रॉवलिंग फ्रॉम वाटर टू लैंड, वाटर से लैंड पे आ रहा है. फिर नाउ दिस इज एन अडल्ट फ्रॉग, उस पर ग्रो अप हो जाएगा. तो ये आपको ये भी स्टेजेस आने चाहिए. फिर उसके बाद है फिश के लिए एग, देन बेबी फिश एंड देन फिश. ठीक है, फिर रेप्टाइल्स की लाइफ साइकिल नहीं है, उसमें यही है कि एग से ये देखिए बेबी स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम एन एग. फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज, ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करने को. फिर द येलो सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बर्ड्स एग इज, जो एग के अंदर येलो सब्सटेंस होता है उसे क्या क्या बोलते हैं. एल्ब्यूमिन को वो एग वाइट बोला जाता है, और ये वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है. एम्ब्रियो नहीं होता, योक होता है. ठीक है, ये आप एग का ये देखिए, ये एरिया, ये जो येलो सब्सटेंस है वो पूछा है, तो ये योक है. फिर है द एग्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर वॉर्म्ड बाय द हीट ऑफ. अब आपको मालूम, मैंने बताया कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, वो जो उनके एग होते हैं वो ले करते हैं ग्राउंड पे या फिर होल किसी होल्स में. ठीक है, तो फिर सन ही उनको वॉर्म करता है, वो खुद दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वॉर्म, तो वो सन के द्वारा ही वॉर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे सन आएगा. फिर ये देखिए इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की ये लाइफ साइकिल है, जैसे कि कॉकरोच और ग्रास हॉपर की भी ऐसी ही होगी, थ्री स्टेज की ही होगी. ये एग, नाइम्फ यानी कि बेबी कॉकरोच, फिर अडल्ट कॉकरोच, और इसकी जो स्किन की शेड ऑफ होती है उसे मोल्टिंग बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई की भी ऐसी ही होगी. फोर स्टेजेस होंगी इसमें, एग, फिर देन कैटरपिलर. अगर हाउस फ्लाई का लार्व, ये लार्वे ऑफ बटरफ्लाई है तो इसे कैटरपिलर बोलते हैं. अगर लार्वे ऑफ हाउस फ्लाई होगा तो उसे मैगॉट बोलेंगे. ठीक है, फिर है प्यूपा, फिर प्यूपा में से ही बटरफ्लाई. ठीक है, ये लाइफ साइकिल होगी बटरफ्लाई की. फिर ये कुछ की वर्ड्स है जो आपको सिर्फ रीड आउट करने हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं. सबको मालूम है द प्रोसेस बाई विच एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. मैमल्स, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क. एल्ब्यूमन, अ क्लियर और स्टिकी लिक्विड इनसाइड द शेल ऑफ एन एग, आल्सो कॉल्ड द एग वाइट. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी, वही इसमें दी हुई है, आपको याद रखनी है. ठीक है, सिर्फ याद रखनी है, लिखनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है. फिर है, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सेक्शन ए. ये ओरल क्वेश्चन से आपको ओरली सॉल्व करने हैं. अब इसमें पूछा है कि वाई आर व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कॉल्ड मैमल्स ऑल दो दे लुक लाइक अ फिश. अब बोल रहे हैं कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स को हम लोग मैमल्स क्यों कहते हैं जबकि वो फिश की तरह दिखते हैं. फिश की हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं कि वो एग ले करते हैं, फिर बेबी फिश, देन फिर वो. जबकि जी ये जो डॉल्फिन्स हैं और व्हेल्स हैं, ये डायरेक्ट गिव बर्थ करती है टू द यंग वंस, कोई एग ले नहीं करती हैं ये, इसलिए ये मैमल्स के अंडर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज एन एम्ब्रियो गेट फूड इनसाइड द एग. एग के अंदर एम्ब्रियो को फूड कैसे मिलता है वो बताना है. अब जो योक होता है उसी के अंदर फूड होता है फॉर ग्रोइंग बेबी, तो वही ग्रोइंग बेबी को ही एम्ब्रियो बोला जाता है, तो वो योक के द्वारा ही उसको फूड मिल पाता है. ठीक है, एग के अंदर, और योक इज रिच इन प्रोटीन. नेक्स्ट है हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. अब ये इसका आपको मालूम है कि मैमल्स अपने यंग वंस को टेक केयर कैसे करते हैं. जब वो पैदा होते हैं, द मैमल जो मदर होती है वो प्रोवाइड देयर ओन मिल्क फॉर देयर यंग वंस. दे टीच देम हाउ टू फाइंड फूड, और फिर उनके दूसरे एनिमल से कैसे बचना चाहिए, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, वही सब चीज़ें इसमें आएगी.
नेक्स्ट है साइंस क्विज. ये सब आपको क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन लिखने नहीं है, सिर्फ आपको ओवरव्यू करना है. नेम एन एनिमल हुज लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स मेटामॉर्फोसिस. ये मैंने आपको बताया चुका है कि पूरी लाइफ साइकिल प्रोसेस जो फ्रॉग की होती है उसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई कॉल्ड. जो लार्वा बटरफ्लाई का होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं. क्या बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है. और जो लार्वा हाउस फ्लाई का होता है उसे मैगॉट बोलते हैं. व्हाट आर द क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग कॉल्ड. जो क्लस्टर होते हैं एग्स के, फ्रॉग्स के एग्स के जो क्लस्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वो बताना है. तो उन्हें स्पॉन्स बोलते हैं. तो इसका आंसर आएगा स्पॉन्स, ये बोला जाता है, ठीक है. फिर है, ये सब कुछ आपको लिखना नहीं था. अब यहाँ से वर्कशीट से आपको ये सब कुछ बुक में फिल करना है, ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. ह्यूमन बींग्स क्या हैं. एम्फीबियंस हैं कि मैमल्स हैं कि रेप्टाइल्स हैं, ये सब आपको बताना है. तो ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा. दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. फिर द वाइट पोर्शन इनसाइड द एग. देखो योक जो होता है वो येलो पोर्शन होता है, तो ये नहीं आएगा. एल्ब्यूमिन, यस एल्ब्यूमिन होता है, ये वाइट पोर्शन होता है, इसे एग वाइट भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन है सर्कल द ऑड वन एंड गिव रीज़न फॉर योर चॉइस. इसका मतलब कि सर्कल भी करना है और हमने क्यों चूज़ किया है उसका रीज़न देना है. पहला है बर्ड फिश एंड गोट. ये देखिए बर्ड फिश एंड गोट. अब आपको मालूम है बर्ड्स एग ले करती हैं, फिश एग ले करती हैं, जबकि गोट है वो गोट गिव बर्थ टू द यंग वंस. तो इसमें आंसर क्या आएगा, गोट आएगा. हाँ, और बाकी अदर्स यानी कि बर्ड और फिश, अदर्स ले एग्स वेयर एज इट गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये इसका रीज़न हो गया. तो यहाँ पे आएगा गोट. बटरफ्लाई नाइम्फ एंड कैटरपिलर. अब ये देखिए बटरफ्लाई, ठीक है, इंसेक्ट्स में आता है. नाइम्फ ये भी इंसेक्ट है लेकिन ये बेबी कॉकरोच है. फिर है कैटरपिलर, कैटरपिलर है लेकिन ये लार्वे ऑफ द बटरफ्लाई है, ठीक है. बटरफ्लाई के लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं. तो इसमें से ये अलग ये हो गया कि नाइम्फ अलग है, क्योंकि नाइम्फ क्या है, अदर आर द, ये दोनों ही जो को बटरफ्लाई और ये कैटरपिलर एक ही स्टेज है लाइफ साइकिल का जेके, लेकिन ये नाइम्फ है, ये बेबी कॉकरोच है, तो ये अलग हो गया. तो इसमें आ गया अदर्स आर द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई वेयर एज इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. ये कॉकरोच की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, ये तो बटरफ्लाई और कैटरपिलर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है. फिर है फ्रॉग फिश एंड टेडबॉल. अब इसमें भी वैसे ही आएगा कि फिश इज़ ऑड वन, क्योंकि फ्रॉग और टेडपोल ये दोनों ही लाइफ साइकिल है फ्रॉग की, ये फ्रॉग और टेडपोल यानी कि बेबी फ्रॉग और फिश, जबकि वो लाइफ साइकिल है फिश की, उसमें से आता है. तो यहाँ पे लिख देंगे अदर्स आर रिलेटेड टू द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. हाँ, फर्स्ट है इनसाइड द योक देयर इज़ अ ग्रोइंग बेबी कॉल्ड. जो योक है यानी कि एग की अंदर की बात हो रही है, उसी में था योक, उसके अंदर एक ग्रोइंग बेबी है, उसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है, एम्ब्रियो बोला जाता है. तो यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा. द टेडपोल ग्रोज इन टू अर्थ. जो टेडपोल है वो किस में ग्रोज होगा, वो फ्रॉग में होगा, फिश में नहीं होता है. तो यहाँ पे आएगा फ्रॉग. ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है अ नाइम्फ अंडरगोस डैश टू चेंजेस इनटू एन अडल्ट. अब ये जो नाइम्फ है ये तो वो उसमें कॉकरोचेस में पड़ा था, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मोल्टिंग आएगा, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग से. तो इसमें मोल्टिंग आएगा, मेटामॉर्फोसिस तो फ्रॉग से रिलेटेड है. तो नाइम्फ तो यानी कि बेबी कॉकरोच होता है, तो यहाँ पे आप मोल्टिंग लिखेंगे. मोल्टिंग किसे बोलते हैं, जो सेवरल टाइम्स जब कॉकरोचेस, बेबी कॉकरोचेस अपनी स्किन को शेड ऑफ कर देते हैं उसे मोल्टिंग बोला जाता है. फिर ऑल इंसेक्ट्स ले, ऑल इंसेक्ट्स क्या करते हैं, बेबीज या एग्स, तो एग्स आएगा यहाँ पे. फिर है डैश इज द रेस्टिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई कैटरपिलर की प्यूपा.
तो इसमें से जो रेस्टिंग स्टेज होगी तो वो होगी प्यूपा, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट कर जाता है, इसके बाद वो कुछ नहीं करता है और सिर्फ बटरफ्लाई में चेंज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द वेरियस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच एंड हैंड गिवन बिलो। ये आप खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आप सबको बता चुका है लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच क्या है, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ। ये अडल्ट कॉकरोच है, ये एग है और ये बेबी कॉकरोच है, यहाँ पे खुद लिख लीजिएगा। फिर है लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन, ये हैन है, ये उसके एग है। हैन वॉर्म्स द, यानी कि मदर हैन वॉर्म्स द एग। फिर ये है कि बेबी बेबी चिक हैचेस आउट ऑफ द एग्स और ये चिक ग्रोज अप, ये छोटी सी चिक्स ग्रो अप। ठीक है, तो ये हैन और ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है, फिल करना है। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन बी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन बाय द कॉकरोचेस, यानी कि शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय कॉकरोचेस, तो इसको बोलते हैं मॉल्टिंग, अभी ही मैंने आपको बताया। द कैटरपिलर चेंजेस इन टू बटरफ्लाई इन द, किस में होता है, एग में, प्यूपा में या फिर स्पॉन में, तो यहाँ पे आएगा प्यूपा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्यूपा लिखेंगे, ये भी आपको बुक में ही करना था। अब यहाँ से जितना भी आप सॉल्व करेंगे ये अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, नेम द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग। बेबी कॉकरोच का नाम बताना है, तो वो है नाइम्फ। ठीक है, NYMPH। ठीक है, नाइम्फ होगा। नेम द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई। अब जो लार्वा ऑफ बटरफ्लाई होता है उसे कैटरपिलर बोलते हैं। अब यहाँ पे हाउस फ्लाई का पूछा है तो यहाँ पे मैगगॉट आएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, व्हाट आर द वेज बाय विच एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। कौन कौन से वेज है जिसके द्वारा एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, तो हमने इस चैप्टर में वही पढ़ा है, दो वेज सीखे हैं कि जिसके द्वारा एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वंस और सेकेंड वन इज बाय लेइंग एग्स आउट ऑफ विच बेबीज हैच आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ डू द बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो बर्ड्स हैं वो अपने यंग वन का टेक केयर कैसे करती है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा, बर्ड्स फीड देयर यंग वंस एंड टीचेस देम हाउ टू फ्लाई। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देम सेल्स। इन दिस वे बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चंस है, सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैव फोर स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। यस, आपको मालूम है इंसेक्ट्स बटरफ्लाई हाउस फ्लाई की फोर स्टेजेस होती हैं। नेम द फोर स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो फोर स्टेजेस हैं उनका सिर्फ नाम बताना है आपको, तो इसमें आ जाएगा एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई। नेक्स्ट है, व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम बटरफ्लाई दैट गोज फ्रॉम थ्रू द स्ट्रगलिंग स्टेजेस टू कम आउट एज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। अब इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जैसे कि ये बटरफ्लाइज हैं, ये इतना स्ट्रगल करके फिर मतलब कि बाहर आ रही है, तो उन सबका क्या कह, उससे आप क्या लर्न करते हैं, मॉरल क्या मिलता है, वो पूछ रहा है। So we learn that we should work hard and do sincere efforts to achieve our goals. It might be possible that we have to struggle little hard, but at the end we will surely achieve our target. तो हमें work hard करना चाहिए, sincerely effort करने चाहिए, efforts दिखाने चाहिए अपने goals को achieve करने के लिए। हमें बहुत struggle करना पड़े, but at the end surely हम लोग अपना जो goal है वो achieve कर पाएंगे। फिर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करना है। सो आपको मालूम है कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल, उसमें थ्री स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले वही से ही लिखना शुरू करेंगे, दे आर थ्री स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। अ कॉकरोच लेज अ लॉट ऑफ एग्स एज आफ्टर सम टाइम द बेबी कॉकरोच कम्स आउट ऑफ द एग। The baby cockroach is called the nymph. Wings and reproductive organs are undeveloped in the nymph. It sheds its skin several times and changes into an adult.
adult changes into an adult and shedding of old skin is called molting. ये सब कुछ आप लिखेंगे इसमें. फिर write about the life cycle of a frog. Frog की life cycle के बारे में आपको लिखना है, तो उसमें आएगा frog की life cycle में ये आएगा. A frog lays a cluster of eggs in a safe place in the water. The cluster of eggs is called spawn. After the 3 weeks, the baby frog called the tadpoles. Tadpoles comes out of the eggs. The tadpoles look like tiny fishes and breathe through gills. The tadpoles gradually lose their tails and develop legs. After some times, they become adult frog. तो ये पूरा ही आप explain करेंगे. ये सब मैं आपको already explain कर चुकी हूँ, लेकिन आपको ये अच्छे से explain करके लिखना है. Next one is which part of the bird's eggs is rich in protein. कौन सा part होता है bird के egg का जो protein से rich होता है, तो वो होता है yolk. ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे yolk. So yolk is rich in protein in bird's egg. फिर ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स एग. अब इसका डायग्राम बनाना है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो वो आप ऐसे बनाएंगे. ये रहा, ये आएगा इसमें. ठीक है, आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग है, ऐसा ही एग का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा ही डायग्राम आप बनाएंगे. और लेबल ज़रूर करना है. लेबलिंग कभी भी साइंस में भूलनी नहीं चाहिए. लेबलिंग के मार्क्स होते हैं, तो आप लेबल ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.